4 मार्च को प्रस्तावित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सालासर धाम आगमन पर वसुंधरा राजे समर्थक मंच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज एवं प्रदेश प्रमुख महामंत्री महेश बसवतिया झुंझुनू, जिला मंत्री मनीष शर्मा, प्रदेश युवा महिला मोर्चा महामंत्री प्रियंका बेदी के नेतृत्व में राजस्थान की आन बान शान किसानों की पुकार वसुंधरा राजे सिंधिया को किसान समृद्धि के प्रतीक हल एवं क्षत्रियों का प्रतीक तलवार भेंट किया जाएगा। विदित हो वसुंधरा राजे किसानों की हमदर्द रहने के साथ ही गरीब दलित महिलाओं के हितों की रक्षक रही हैं। हल व तलवार इस बात का प्रतीक है कि वसुंधरा राजे प्रदेश के हर वर्ग व समुदाय के सर्वमान्य नेता है। भाजपा नेता महेश बसवतिया ने कहा कि वसुंधरा राजे समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज के निर्देश के अनुसार इस जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए वसुंधरा राजे मंच के प्रदेश व सभी जिलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। झुंझुनू जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संदीप सोनी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य स्तर पर संगठन के पदाधिकारी घनश्याम शर्मा, दलीप मित्तड़ व आशीष तैयारियों को लेकर हर जिला स्तर पर मंच के समर्थकों से संपर्क करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को आम सभा में लाने को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस क्रम में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके संबंध में करीब 101 महिलाओं द्वारा वसुंधरा राजे का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में राजीव शर्मा ने बताया कि निर्धारित समय के अनुसार गाड़ियों की रवानगी सालासर के लिए प्रस्थान करवा दी जाएगी, जिसमें सभी समर्थकों के लिए भोजन और खानपान की व्यवस्था पूर्ण रूप से रहेगी।